गोल्ड इंट्राडे 15 मिनट चार्ट लास्ट वीक 23:30 सिंस बिगिनिंग ऑफ द वीक देयर वाज स्पेकुलेशन फॉर वॉर डंप ऑन फ्राइडे व्हेन वॉर रिस्क डिक्रीज्ड। नाउ इट इज प्रूवन दैट लास्ट वीक वाज टोटल पंप एंड डंप एंड देट वॉज ऑलमोस्ट $100 वर्टिकल डंप ऑन फ्राइडे व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग सीपीआई स्ट्रॉन्ग एनएपी नंबर एंड सम एफ ओ एम सी मेंबर स्टिल इग्नोरिंग सेकेंड इन्फ्लेशन वेव। दे आर स्टिल सेइंग इट इज बम्प एंड दे विल ऑलवेज से बिकॉज इन द एंड दे ओनली केयर अबाउट कोर पी सी। अंटिल कोर पी सी स्टार्ट राइजिंग अगेन लाइक सी पी आई दे विल नॉट चेंज देयर टोन ऑफिशियली। नॉट जस्ट 15 मिनट इंट्राडे टाइम फ्रेम अप टू वीकली 23:30 इज बिग सपोर्ट लेवल फॉर इंट्राडे स्कैल्पर एच फोर चार्ट। इफ 23:30 लेवल ब्रेक्स देन यू कैन एक्सपेक्ट थिंग्स आर चेंजिंग एंड मे बी ट्रेंड रिवर्सल हैव बिगेन बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। अबव दिस लेवल गोल्ड बुलिश। इफ दिस लेवल ब्रेकआउट ऑन रिटेस्ट नेक्स्ट टारगेट 20:60 बट आफ्टर ब्रेकआउट यू कैन से गोल्ड बेरिश बिगिनिंग ऑन इंट्राडे। यू कैन सी आफ्टर सो मच वर्टिकल डंप लास्ट वीक स्पेशली फ्राइडे यू कैन सी प्राइस कुड नॉट टेस्ट 23:30 सो यू हैव स्टैटिक क्लियर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल एंड वंस इट ब्रेकआउट वन बाई वन यू हैव मैनी सपोर्ट लेवल 2150 2200 2060 बट फर्स्ट 23:30 एंड फॉर अपसाइड देर इज नो लिमिट बिकॉज वी आर ट्रेडिंग ऑन ऑल टाइम हाई। डेली चार्ट फ्रॉम दिस बॉटम सेम वॉर स्टिल हैपनिंग एंड सम पीपल वर एक्सपेक्टिंग लास्ट वीक आफ्टर फेस्टिवल वॉर विल इंक्रीज बट यू हैव सीन वर्टिकल डंप एंड रेड कैंडल स्टिक एंड लाइक आई सेड नथिंग गोज अप फॉर एवर इन वन कैंडल स्टिक ऑन दैट वर्टिकल प्राइस सेक्शन। टोन इमिडिएटली चेंज्ड ऑन फ्राइडे इवन इफ इट इज डब्ल्यू एक्स वाई वेव और नेक्स्ट 135 इम्पल्सिव वेव बट कंपेयर टू फर्स्ट वेव दिस करंट इम्पल्सिव वेव हैड मेड 38% प्रोजेक्शन 33 बट यू आर सीइंग विग रिजेक्शन फ्रॉम फिफ्थ प्रोजेक्शन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टिल सेम दिस आर 135 इम्पल्सिव वेव और कंप्लीट ट्रेंड एंडिंग एट डब्ल्यू एक्स वाई बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ब्रेकआउट बिलो 23:30 लेवल क्लियर स्टैटिक सपोर्ट। ऑन इंट्राडे यू हैव मैनी सपोर्ट बट डेली यू हैव ओनली वन सपोर्ट जोन 2200 टू 2150 एंड लास्ट वन बिग स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल 2080। There is no big US economic indicator this week, small news and last week before FOMC blackout begin. So all the FOMC member speech this week, especially what they say on Friday and their tone will be most important and that will decide where gold will go next. If you are interested what is happening at 2300 gold price, that's mean last 300 days when Silicon Valley bank run market panic began. That I have already explained in detail 1 year ago, no change. But most important thing is what gold will do in next 300 days. Because if you see ton of FOMC member, same like September last year, higher for longer is back. An unofficial FOMC member Nick have said either labor market crack or inflation come down. That's mean CPI upside trend reverse. Until any one of these things happen, they will not cut interest rate. Either NFP goes down or CPI goes down, both things are deflationary. The second inflation wave via gold goes up $400. That is part one of the story. Like that video, second part is second rate hike cycle. Jimmy Dimon gave warning for 8% rate.
जेपी मॉर्गन बैंक, देयर टारगेट वाज 2400 गोल्ड प्राइस हिट लास्ट वीक। गोल्डमैन, दे हैव इन्वेंटेड न्यू टॉय फॉर गोल्ड वर्क दे कैन प्ले आफ्टर प्राइस ब्रेकआउट देयर 2300 टारगेट, देयर न्यू टारगेट इज 2700। UBS बैंक, दे आर टारगेटिंग $4,000 गोल्ड प्राइस फ्रॉम हेयर। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर शॉर्ट टर्म गोल्ड ट्रेडर, दे आर सेइंग ए ब्यूटिफुल लाइन, एज लॉन्ग एज म्यूजिक इज प्लेइंग शॉर्ट टर्म गोल्ड ट्रेडर मस्ट डांस। इफ यू इग्नोर ऑल द नॉइस लास्ट वीक एंड रीड FOMC मिनट PDF, देन दे हैव सेड रेट पॉज एंड QT स्टिल हैपनिंग, ओनली स्पीड स्लोइंग, बट दे आर ट्राइंग टू अवॉइड 2019 मार्केट मिस्टेक। सम पीपल आर अगेन एक्सपेक्टिंग QT विल एंड एंड इमीडिएटली इट विल टर्न इंटू QE लाइक दे डिड March 2023 और March 2020। सो एज लॉन्ग एज प्राइस ट्रेडिंग अबाउट 2330, देर इज नो लिमिट फुल FOMO, बट इफ इट गोज डाउन देन फर्स्ट यू हैव इंट्राडे सपोर्ट एंड डेली टाइम फ्रेम सपोर्ट। एंड नेक्स्ट स्टेप ऑफ इलेट वेव फ्रॉम दिस बॉटम, दीज आर 135 इम्पल्सिव वेव और जस्ट WXY करेक्टिव वेव। वीकली चार्ट, इफ यू सी एंटायर वेव देन फिफ्थ प्रोजेक्शन कंपेयर टू लास्ट वीक 100% लेवल ब्रेकआउट, बट प्राइस स्टिल बिलो 38% प्रोजेक्शन, दैट इज 2454। इफ यू सी मंथली चार्ट, पीपल आर एक्सपेक्टिंग सेम लाइक बेन बर्नेंकी मार्केट एक्शन। इफ दे होल्ड इंटरेस्ट रेट एट 5% फॉर लॉन्गर टाइम, रिस्क ऑफ हार्ड लैंडिंग, दे विल नॉट हाइक अगेन बट दे विल ओनली डिले फर्स्ट रेट कट टाइमिंग। आफ्टर क्लियर ब्रेकआउट वर्टिकल ऑन मंथली वीकली चार्ट, इट इज नॉट अबाउट हाउ हाई प्राइस विल गो, इट इज लॉन्गर प्राइस स्टे अबाउट 2300, गोल्ड इज बबल। सम पीपल आर सेइंग अंटिल इट हिट 5 to 10K इट इज नॉट बबल, देन आई हैव ए टास्क फॉर ऑल ऑफ यू, मेक ए लिस्ट ऑफ एवरी यूट्यूब वीडियो अपलोडेड स्टार्टिंग April 2024 जस्ट टू एक्सप्लेन हायर गोल्ड प्राइस while YouTube channel main topic is not intraday or day trading gold, while those video top YouTuber million view on video but still not talking about Ludwig von Mises or his book Human Action, then this is the definition of bubble. More time it stay about 2300, more flood of YouTube videos about gold, but there will be zero video who will talk about Ludwig von Mises or his book Human Action, because that person is creator of that formula, printing press money is equal to inflation is equal to buy gold, the creator of that idea. If you do not talking about creator of the idea, he challenged entire world. Since then no one came and proved that he is wrong, then all those YouTube video are definition of gold bubble. What you saw last week Monday to Friday, like Ludwig von Mises said, either you can have international trade or you can have war. Only one thing is possible. When there is a war, there is a inflation and poverty, and when there is a international trade, there is a deflation and everyone making money. Same like last 300 days, if you focus next 300 days, most important question is still same for all the gold trader. If correction start, how low it will go? Price, how long it will stay down? That's mean time. Back to intraday H1 time frame for gold trader, you can try any time frame from 5 minute to monthly chart. But there is one clear support level 2330. Below Paris a breakout, but above this level there is no limit because of FOMO gold buying and gold bubble.
bank have set up to 4000 gold price from here. So you trade based on this level. What can happen in next 300 days? Fiscal shocks may be coming, and if it is coming, neither Biden can tell before election. And if there is a plan, then it cannot be implemented before January 2025. That's why billionaire hedge fund cannot wait and watch high inflation till 2025 and waiting for president to do something. That's why they bought gold in panic mode.